तो इसके बारे में आप लोग ये जान लें कि एक पेड बोन है जो मैगजिला और टेरेगाड प्रोसेस ऑफ द फिन बोन के इन बिटवीन ये लोकेटेड है और ये तीन केविटी के वाल्स बनाते हैं एक हमारी नेजल केविटी है तो नेजल केविटी का लेठल वाल और इसका फ्लोर जो है वो पेराटाइन बोन बनाता है इस तरह रूफ़ ऑफ द माउथ जो हमारे माउथ का रूफ़ है तो ये भी ये बना रहे हैं और फ्लोर ऑफ द आर्बिट ऑर्बिटल केविटी का फ्लोर बना रहे हैं तो पलिटाइन बोन के रिलेटेड आप लोग ये समझ लें कि ये एक पेड बोन है जो मेगजेला मेगजेला बोन और टीरेगाड प्रोसेस जो स्पिनइड बोन का एक पार्ट है इसके इन बिटवीन ये लोकेटेड हैं, और तीन केविटीज़ के वॉल्स बनाते हैं फ्लोर एंड लेटरल वाल ऑफ दविटी बनाते हैं रूफ ऑफ द माउथ बनाते हैं एंड फ्लोर ऑफ दर्बिट और इसमें एक इम्पॉटेंट बात यह याद रखें कि ये पैलेटाइन बोन जो है जे फाइव अदर बोन्स के साथ आर्टिकुलेटिंग करता है जैसे मेगजेला बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है स्पीनाइड बोन के साथ इसके साथ एथम बोन है इन्फीयर नेजल को वोमर ये फाइव बोन्स हैं बोन् मेगजेलाफीनाइड इथमायड इन्फीयर नेजल कोक और वोमर बोन इन बोन्स के साथ ये आर्टिकुलेटिंग करता है आर्टिकुलेट करता है ये बोन इसके बाद जो है वो नेजल बोन तो नेजल बोन जो है ये दो बोन्स है स्माल सही है और साइज़ में ये वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू तो इंडिविजुअल ये साइज़ में वेरी करते हैं और दे आर प्लेस द मिडल एंड अपर पार्ट ऑफ द फेस हमारे फेस के अपर एंड मिडल पार्ट के बिल्कुल साइड बाय साइड ये पड़े हैं। और इसके इन बिटवीन एक जंक्शन है जिसके ज़रिए ब्रिज ऑफ द नोज जिसे हम कहते हैं सही है और इसके दो सरफेज़ और फोर बॉर्डर्स बनते हैं और नेजल बोन के आर्टिकुलेशन दो तो ये तो दो, दो क्रेनियम बोन के साथ और दो फेशियल बोन, तो बोन, बोन, बोन के साथ ये अर्टिकुलेट करते हैं तो क्रेनियल बोन्स जो हैं उनमें से फ्रंटल बोन और इतमायड बोन के साथ ये नेजल बोन आर्टिकुलेशन करते हैं और इसी तरह मेगजिला बोन और जो एक साइड का नेजल बोन है वो दूसरे साइड के, बोन के नेजल बोन के साथ अपोजिट नेजल बोन के साथ आर्टिकुलेशन करते हैं तो इसमें यह या बात याद रखें कि नेजल बोन पेड़ है चाहिए तो वो वेरी करता है इन साइज़ और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं साइड बाय साइड ये पड़े हैं हमारे फेस में और मिडली ये ब्रिज ऑफ द नोज इस जंक्शन है जिसके ज़रिए आपस में इंटर कनेक्टेड है नेजल बोन का अगर हम मेन फंक्शन देख लें तो मेन फंक्शन ऑफ द नेज़ल बोन ये है कि हमारे जो नोज़ का एक्सटर्नल सर्विस है तो ये नेजल बोन बना रहा है नेजल एपर्चर बना रहे नेजल एपर्चर और इस तरह जो हमारे नेजल केविटी नेविटी को ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स तो ये इसके कुछ लैंडमार्क्स थे तो मेन पार्ट्स बस इसके टू सर्फेस है एक इंटरनल सर्फेस है एक इसका एक्सटर्नल सर्फेस है इसके बॉर्डर्स जो है नेजल बोन को बॉर्डर्स आप देख लें तो एक इसका सुपीरियर बॉर्डर होगा जो फ्रंटल बोन के साथ हैं एक इसका इंफीरियर बॉर्डर होगा एक इसका मीडल एक इसका लेटरल बॉर्डर होगा और ये बॉर्डर्स की आर्टिकुलेशन अगर हम देख लें तो सुपीरियरली इसका फ्रंटल बोन पड़ा हुआ है लेटरल कार्टिलेज ऑफ द नोज नोज का लेटरल कार्टिलेज इन्फीरली पड़ा हुआ है लेटरली अगर हम देख लें तो मेगजेला है तो मेगजेला का फ्रंटल प्रोसेस पड़ा हुआ होगा और मीडियल अगर हम देख लें तो इसका कंट्रोलेटल काउंटर पार्ट होगा मतलब एक एक नेजल बोन का मीडियल अगर हम चले जाए तो दूसरा नेजल बोन हमें मिलेगा तो ये इट वॉज अबाउट द नेजल बोन इसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे तो वह इन्फीयर नेजल कोंका है कोंकाफीर नेजल कोंका है पहले तो ये हम जान लें कि नेजल कोंकाई किसे कहते हैं ये बोनी प्लेट्स हैं जो हमारे नेजल कैिटी के लेटरल वाल पे पड़े होते हैं बोनी जो हमारे नेजल कैिटी हैं इसके लेटल वॉल ये बोनी प्लेट्स पड़े हैं हम ये तीन नेजल कोंकाए है होते हैं सुपीरियर मिडल एंड इन्फीयर और ये प्लेट्स इन्फीरो मीडियरी डायरेक्शन में इन्फीरियर और मीडल डायरेक्शन में ये प्रोजेक्ट करते हैं और नेजल कोविटी को ये डिवाइड करते हैं फाइव डिस्टेंट पैसेज इसके बना लेते हैं सही है फिनो इत थ्री इसके नेजल मेट मेटेल बन जाते बन जाते हैं कॉमन नेजल मेटेल्स तो ये फिर वो डिटेल में हम चले जाते हैं लेकिन आ, इतना याद रखें कि नेजल कोनकाई जो है ये बोनी से हैं जो हमारे नेजल क्विटी के लेटरल वॉल पर पड़े हुए हैं और ये इनफीनो मीडियल ये प्रोजेक्ट करते हैं सही है और नेजल क्विटी को यह डिवाइड करते हैं इसमें से जो सुपीरियर नेजल कंका है और मिडिल मिडल नेजल कंका है ये एतमायड बोन के प्रोसेस हैं तो इसको हम अलीहदा काउंट नहीं करते हैं करतेहिहदा काउंट नहीं करते हैं और इन्फीरियर ने है जो है ये सेपरेट क्रैनियल बोन है सही है सेपरेट बोन है ये अच्छा तो जब ये सेपरेट बोन है तो ये जब सेपरेट बोन है तो इसलिए हम इसको क्रैनियल uh, बोन में से काउंट करते हैं इसका अरेंजमेंट जो है वो स्क्रोल लाइक तो है तो मेन फंक्शन इसका क्या नेजल कोंकाई का ये सर्फस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं नेजल नेजल्कविटी इसके नेजल्विटी के, के सर्फस एरिया को ये बढ़ा देते हैं और ये बढ़ाने का मकसद क्या है कि प्रोवाइड वार्मिंग जो हमारे जो हम एयर इन्ेल करते हैं उसकी वार्मिंग ये करते हैं उसकी ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं और फिर वो लंग्स में पास होते हैं तो इट वाज ऑल अबाउट द इनफीयर नेजल कोंका इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे तो ये वो वोमर बोन वोमर बोन जो है ये एक तीन बोन है हमारे स्कल में से जो अनपेड बोन होते हैं तो वोमर बोन इज़ वन ऑफ द अनपेड फेशियल बोन्स ऑफ द स्कल ये ये भी अनपेड बोन है सिंगल तीन अनपेड बोन स्कल का और वोमर बोन कहाँ पर पड़ा हुआ है वो ये वर्टिकल पोजीशन में हमारे जो नेजल नेजल्किविटी है बिल्कुल इसके मिडल के वर्टिकली मिडल में वर्टिकली ये लोकेटेड है सही है और वोमर बोन के दो सरफेस होते हैं और चार इसके बॉर्डर्स होते हैं और वोमर बोन का अगर हम फंक्शन देख ले तो मेन फंक्शन इसका क्या है कि मेन फंक्शन ऑफ़ द वोमर इज़ टू फॉर्म द नेजल टुगेदर विद परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द दायड बोन जो हमारे नेजल सेप्टम होते हैं नेजल सेप्टम कैविटी को डिवाइड करते हैं तो वोमर बोन ये नेजल सेप्टम को बनाते हैं सही है टुगेदर विद द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द बोन यानी परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ बोन और नोजल वोमर बोन दोनों जो है वो नेजल सेप्टम को ये बनाते हैं सही है और ये हमारे वोमर बोन जो हैं ये जो हमारे न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं नेजल नेजल्किविटी के इसके लिए भी ये पैसेज वे प्रोवाइड करते हैं तो इसमें ये बात याद रखिए कि इसके आर्टिकुलेशन कहाँ पर हैं से ये है। और ये फ्लैट बोन है तीन बोन है अनपेयर्ड है और इसका फंक्शन क्या है कि ये पुस्टी इनफीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल सेप्टम को बनाते हैं मतलब ये कि ये इतमायड बोन के साथ मिलके नेजल सेप्टम को बनाते हैं और फंक्शन इसका मेन ये है कि न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर जो नेजल कैिटी की तरफ आ रहे हैं उसके लिए पैसेज वे प्रोवाइड करते हैं और नेजल सेप्टम बना रहे हैं तो ये चार मसल्स हमने डिस्कस किए चार बोन्स हमने डिस्कस किए हैं वोमर बोन नेजल ने और इसके साथ पैलेटाइन बोन तो ये मसल ये बोन्स हमने डिस्कस किए हैं और इसके रिलेटेड जो भी आप लोग को क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मैंटेबल बोन पे बात करेंगे तो इस तरह हमारे स्केल बोन्स की जितने भी बोन्स हैं उनके लैंडमार्क्स वैन आठमी सब कुछ वो कवर हो जाएगी थैंक यू